तो आप सभी को यहाँ पे केपीजे स्टार की तरफ से जय हिंद। तो आज की बात करने पर यहाँ पे आईआरबी जीडी भर्ती के बारे में, जैसे कि आप सबको पता है कि आईआरबी जीडी की जो 17,000 वैकेंसीज है वो यहाँ पे पहले पूरे भारत के लिए यहाँ पे निकाली गई थी, लेकिन इस समय मेरे पास काफी बड़ी जो अपडेट है आईआरबी जीडी भर्ती को लेकर वो यहाँ पे पहुंच रही है कि आईआरबी जीडी की जो भर्ती है वो यहाँ पे पूरे भारत के लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि भारत के कुछ ऐसे जिनके लिए ये जो भर्ती करवाई जाएगी, यानी कि सिर्फ भारत में 4 से 5 राज्यों के लिए जो आईआरबी जीडी की भर्ती है वो यहाँ पे करवाई जाएगी। भारत के सिर्फ 4 या 5 राज्य हैं जिनको यहाँ पे ये जो 17,000 वैकेंसीज है वो यहाँ पे दी जाएगी। तो ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से जो राज्य है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरा दूसरा फोन है, इसमें यहाँ पे पूरे जो लिस्ट है वो यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए 5,000 जो वैकेंसीज है जम्मू कश्मीर के लिए यहाँ पे आईआरबी जीडी के लिए रहेगी। छत्तीसगढ़ के लिए 4,000 वैकेंसीज रहेगी। झारखंड के लिए 3,000 वैकेंसीज रहेगी। ओडिशा के लिए 3,000 वैकेंसीज रहेगी। महाराष्ट्र के लिए 2,000 वैकेंसीज रहेगी। टोटल यहाँ पे बात करूं 17,000 जो आपकी वैकेंसीज है वो यहाँ पे रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की 5,000, छत्तीसगढ़ की 4,000, झारखंड की 3,000, ओडिशा की 3,000, महाराष्ट्र की 2,000, टोटल 17,000 आपकी वैकेंसीज रहेगी। और इन्हीं राज्यों के लिए जो आपकी भर्ती है आईआरबी जीडी की वो यहाँ पे करवाई जाएगी। तो आईआरबी जीडी भर्ती के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे 10th पास मांगी गई है, यानी कि सिंपल अगर आपकी 10th पास है तो आप इसमें फॉर्म लगा पाएंगे। ये जो वैकेंसीज है पूरे मैं आपको बता दूं, जो मैंने राज्यों के नाम बताए हैं इन्हीं राज्यों में जितने भी यहाँ पे लड़के हैं, जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं वो यहाँ पे फॉर्म लगा सकेंगे अगर आपकी 10th पास है। तो इसके अलावा इसमें जो आपकी एज है वो 18 से लेके 25 वर्ष आपकी रहेगी। और मैं आपको बता दूं अभी इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म की डेट है वो यहाँ पे नहीं आई है। हमारे पास जो बड़ी जानकारी आई थी कि आईआरबी जीडी की जो भर्ती है पहले यहाँ पे बोला जा रहा था कि पूरे भारत के युवाओं के लिए करवाई जाएगी, अब जो मैंने आपको नाम बताए जिन राज्यों के उन्हीं राज्यों के लिए आपकी जो आईआरबी जीडी की भर्ती है वो यहाँ पे करवाई जाएगी। इसमें आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी, जिस तरह इंडियन आर्मी होती है उसी तरह आईआरबी जीडी भी यहाँ पे होती है, जिसमें आपकी सैलरी में आपको बता दूं 35-40 हज़ार तक जो आपकी पर मंथ सैलरी है वो यहाँ पे रहेगी। और ये आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे परमानेंट रहने वाली है और जल्दी इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि इसी साल में जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। और जैसे आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे तो मैं वीडियो लेकर यहाँ पे आ जाऊंगा और आपके साथ जो जानकारी है वो यहाँ पे शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं आईआरबी जीडी भर्ती में सबसे पहले जो आपका एग्जाम है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर आप आईआरबी जीडी के रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो रिटन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे पास यहाँ पे 25 पीडीएफ है, यानी कि 25 पीडीएफ है जिनमें आपको 3000 प्लस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जिसका प्राइस हमने सिर्फ यहाँ पे मैं आपको बता दूं 250 रुपया रखा है। अगर आपको जो पीडीएफ लेने हैं तो आपको हमारी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, जो व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। सबसे पहले आपको 250 रुपया पेमेंट करनी है, जैसे आप पेमेंट करोगे हम उसी टाइम जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अगर आप आईआरबी जीडी के रिटर्न एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी मैसेज यहाँ पे कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। 250 रुपया सिर्फ इसकी पेमेंट रखी गई है, बाकी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं अब जो आपकी आईआरबी जीडी की जो भर्ती है, मैंने जो आपको 4-5 राज्यों के नाम बताए हैं इन्हीं राज्यों के लिए आईआरबी जीडी की आपकी जो भर्ती है वो यहाँ पे करवाई जाएगी। जितनी यहाँ पे मैंने वैकेंसीज आपको बताई है इन राज्यों के लिए इतनी इतनी आपकी वैकेंसी जो है वो यहाँ पे रहेगी आईआरबी जीडी के लिए, और जल्दी इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। जैसे ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे मैं वीडियो बनाकर आपको जो जानकारी है वो यहाँ पे दे दूंगा। तो मिलेंगे जल्द किसी नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।